Subscribe our channel and press the bell icon for more update. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भूमिगत खान में यदि खाली स्थान से अधिक व्यक्ति किसी भी एक समय में नियोजित है तो इंस्पेक्टर द्वारा मांगे गए स्केल पर शौचालय की जो व्यवस्था की जाएगी वो कितने पर्सन पर की जाएगी। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी है 150, ऑप्शन सी है 50 और ऑप्शन डी है 100। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 50। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेस्क्यू स्टेशन के सुपरिटेंडेंट की न्यूनतम योग्यता कितनी होगी। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर, ऑप्शन बी है फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर, ऑप्शन सी है फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर जो केवल ओपन कास्ट के लिए ही सीमित ना हो, और ऑप्शन डी है उपयुक्त कोई भी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर जो केवल ओपन कास्ट के लिए ही सीमित ना हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए जानते हैं, फ्रेश एयर बेस में एक अतिरिक्त रेस्क्यू टीम के साथ अन्य दो व्यक्ति उपस्थित रहेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सहायता दी जा सके, ये दो व्यक्ति कौन होंगे। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक टेलीफोन ऑपरेटर तथा एक रेस्क्यू प्रशिक्षित व्यक्ति, ऑप्शन बी है एक सपोर्ट मिस्त्री तथा एक रेस्क्यू प्रशिक्षित व्यक्ति, ऑप्शन सी एक रेस्क्यू टीम का कप्तान तथा एक रेस्क्यू प्रशिक्षित व्यक्ति, और ऑप्शन डी है एक डॉक्टर तथा एक रेस्क्यू प्रशिक्षित व्यक्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी एक डॉक्टर तथा एक रेस्क्यू प्रशिक्षित व्यक्ति होगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कोल माइन रेगुलेशन 2017 के रेगुलेशन 8 में वर्णित कोई दुर्घटना होती है तो कितने दिनों के अंदर फॉर्म 4B जमा किया जाएगा। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7 दिन के अंदर, ऑप्शन बी है 14 दिन के अंदर, ऑप्शन सी है 30 दिन के अंदर और ऑप्शन डी है 15 दिन के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 7 दिन के अंदर जमा करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, चलिए जानते हैं, संवातन दक्षता गुणा ज्ञात करने की जिम्मेवारी किसकी है। इसमें पूछा गया कि वेंटिलेशन एफिशिएंसी ज्ञात करने की जिम्मेवारी किसकी है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रबंधक यानी कि मैनेजर, ऑप्शन बी है संवातन अधिकारी वेंटिलेशन ऑफिसर, ऑप्शन सी है सुरक्षा अधिकारी सेफ्टी ऑफिसर और ऑप्शन डी है सहायक प्रबंधक असिस्टेंट मैनेजर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी संवातन अधिकारी यानी कि वेंटिलेशन ऑफिसर की यह जिम्मेवारी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह के क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के आपको वीडियो मिलती रहें।